सो हे गाइस, हाय, दिस इज अगरनाथ एंड वेलकम बैक टू चैनल ऑन स्पॉट ई स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे टूर्नामेंट्स पे आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, क्या क्या हमारे पैटर्न रहते हैं, क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं, किस किस दिन हमारा टूर्नामेंट होता है, किस किस टाइप्स के हमारे टूर्नामेंट होते हैं, तो इन सब बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ बात करेंगे कि गेम टीवी में कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है हमारा, एंड उसी के साथ व्हाट्सएप पे कौन सा चल रहा है, डिस्कॉर्ड पे क्या चल रहा है, तो सबके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। एंड जो लोग हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो उन लोग को मालूम होगा कि मैं काफ़ी दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि टूर्नामेंट के रिगार्डिंग एक अपडेट आएगा जिसमें हम टूर्नामेंट के पैटर्न एंड फॉर्मेट को अपडेट करेंगे। उसी के साथ ही साथ जो टूर्नामेंट की फ्रीक्वेंसी थी उसको भी हम इंक्रीज करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आपका दिन में एक टूर्नामेंट होता था और कम स्लॉट्स रहते थे तो अभी के टाइम पे वो एक दिन में 3 टूर्नामेंट होंगे बट उसमें ज़्यादा स्लॉट रहेंगे। दैट्स इट। तो इन सब बातों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सो स्टेट इन टू इन द वीडियो एंड विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, जो भी हमारा सिस्टम था, जो भी हमारा फॉर्मेट था, जो हम पहले करवाते थे, जिस तरीके की टूर्नामेंट हम लोग पहले करवाते थे, व्हाट्सएप पे लिंक देके रजिस्टर करना है, वो रहेगा, बट वो फॉर्मेट अभी काफ़ी ज़्यादा कम हम लोग यूज़ करेंगे। बट अभी जो सबसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो है गेम टीवी। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप हमारे प्रैक्टिस एंड वीकली स्ट्रीम वाले टूर्नामेंट खेलना चाहते हो, आपको डाउनलोड करना होगा गेम टीवी ऐप। अब ये मत सोच लेना कि गेम टीवी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, अब औकात नहीं है मेरी उतनी। तो अभी बात करेंगे, तो फिर सबसे पहले बात करेंगे हमारे एंट्री फीस वाले टूर्नामेंट की, जहाँ पर आपको पहले एंट्री फीस देके अपनी टीम को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको एक अच्छा खासा प्राइस पूल वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, बट जो आपके प्रैक्टिस मैच एंड वीकली स्ट्रीम थे वो थोड़ी देर बाद वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा भाई किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है हमारे एंट्री फीस वाले टूर्नामेंट में। तो ये जो हम करवाने वाले हैं पेड टूर्नामेंट्स, तो इसके जो एंट्री फीस हैं वो कितने रहने वाले हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे। ओके, तो इसकी जो एंट्री फीस है वो रहने वाली है 40 रुपीज़, एंड वीडियो में आपको एक डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिलेगा, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पर कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जो डिस्काउंट कूपन है वो वीडियो में मैंने ऐसे रैंडमली कहीं पर डाल दिया है, एंड इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने कहाँ पर डाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहो एंड आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंट्री फी वाले टूर्नामेंट की प्राइस पूल की, तो ये रही आपके सामने स्क्रीन पर, एंड ये आपके प्राइस पूल होने वाले हैं, एंड 3 विनर्स को यहाँ पे प्राइस मिलने वाला है। बट यहाँ पर जो फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसके बाद सेमीफाइनल्स, एंड उसके बाद आपका फाइनल होगा। एंड इसकी जो फॉर्मेट एंड शेड्यूल ये सब आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, तो वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे रखा है, तो सिंपली जाओ वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, एंड कोई भी अगर आपका डाउट होता है, जो हमारा जो टाइमिंग होता है चैट ओपन होने का, तो वहाँ पर आप उसी टाइम पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई देने वाला हूँ। ओके, तो अभी बात करते हैं कि आपको रजिस्टर कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं टूर्नामेंट है कब। तो ये जो टूर्नामेंट है एंट्री फी वाला, ये होने वाला है 13th of August को। ओके, 13th of August से लेके 15th of August, यानी कि 3 दिन चलेगा, 13, 14, 15, 3 दिन चलने वाला है। ओके, तो आपका इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया है, आप जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैं यहाँ पर किसी भी टीम को यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, आपको कैसे रजिस्टर करना पड़ेगा, कहाँ आपको पे करना पड़ेगा, तो वो सब डिटेल्स मैं वीडियो में डाल दिया हूँ, तो ये वीडियो आप देखो। चलो चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इंटरव्यू वाले टूर्नामेंट में, एंड थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस मैच एंड आपके हो गए जो आपके वीकली स्क्रीम्स रहते हैं। ओके, तो चलो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर अभी बात करें। ओके, तो अभी ये जान लेते हैं कि आप हमारे पेड टूर्नामेंट में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ पे लिंक होगा पेड टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, तो उस पर आपको टैप करना है। तो जैसे आप टैप करोगे तो गूगल क्रोम पे आप इस तरीके का कुछ पेज में यहाँ पर पहुँच जाओगे। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर सिंपली नेम भरो, ईमेल भरो एंड फोन नंबर भरो, एंड जो बात आती है डिस्काउंट कोड की, तो डिस्काउंट कोड आपको वीडियो में मैंने जैसे बोला कहीं पर मैंने डाल दिया है, तो आपको उसको ढूंढना है, तो ढूंढ के यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो इसलिए बोला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड डिस्काउंट कोड जैसे आप यहां पर डालते हो तो आपको यहां पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बट आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका नेम होगा वो आपको अपना रियल नेम डालना है, यानी कि जो आपका रियल लाइफ में नाम होगा वो डालना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर टैप करोगे तो आपको यहां पर अपना टीम नेम एंड आपका व्हाट्सएप नंबर यहां पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहां पर मैंने फिलअप कर दिया, एंड फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर आपको सिंपली टैप करना है। तो नेक्स्ट पर जैसे आप टैप करोगे तो आप को सिंपली पेमेंट गेटवे पर ये लेके आ जाएगा। तो आपके यहां पर काफी सारे ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएंगे,
तो यहाँ पर आपको कोई भी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप चूज़ कर लो। ओके, तो आपके यहाँ पर डेबिट कार्ड मिल जाता है, फोनपे, पेटीएम, आप कहीं से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट, चलो हम सबसे पहले अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने फोनपे, एंड फोनपे को हम जैसे ही आपको यहाँ पर जितने भी आपके आपके फ़ोन में जितने हैं वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम फोनपे को सिलेक्ट करेंगे, फोनपे का यहाँ पर इंटरफेस, वो पेमेंट जहाँ पर आपको करना है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो ओपन हो गया, आ चुका है, सिंपली वेरीफाई करो एंड सेंड पर टैप करके अपना अपना जो पिन है UPI पिन वो यहाँ पर डाल दो। ओके, यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी आना है तो यहाँ पर मैंने डाल के ओके कर दिया है। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है। सक्सेसफुल आने के बाद ये डायरेक्ट बैक आ जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है डायरेक्ट। हाँ, एक और चीज़, जब आप बैक आ जाओगे इस पेज पर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ध्यान में रखना आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आप आ जाओगे इस वाले पेज पे। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है उस पेज का, आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेंगे अपने टीम के डिटेल्स। तो जैसे ही आप, एंड यहाँ पर आपको इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ज्वाइन करना है ज़रूर से, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आपको पे टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हर एक डिटेल्स मिलते रहेंगे। तो इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल मांग रहा है, ईमेल उसी ईमेल को डालना है जो आपने वहाँ पर पेमेंट करते वक्त जो ईमेल दिया था। ओके, यहाँ पर आपके IGL का आप व्हाट्सअप नंबर डाल दो। ओके, देन यहाँ पर आप अपने प्लेयर्स के डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दो। एंड यहाँ पर तुम्हें एक और चीज़ करना, जो आपके प्लेयर के इन गेम नेम है, तो अगर आपका इन गेम नेम इन स्टाइलिश लेटर में लिखा हुआ है तो आप सिंपल नेम से यहाँ पर लिख दो। सिंपल जो आपका कीबोर्ड है सिंपल नेम से यहाँ पर उसका नाम लिख दो, उसी के साथ उसका UID डाल दो, बस खत्म। और कोई स्टाइल वगैरह मारने की, मतलब स्टाइल वगैरह से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इस सबको फिल करने के बाद आप जैसे नीचे आओगे तो शेड्यूल एंड शोम डिटेल्स यहाँ पर आपको मांग रहा है। तो शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा कब टूर्नामेंट होने वाला है, एंड जो डिटेल्ड शेड्यूल है किस टाइम किसका मैच होने वाला है तो वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो यहाँ पर चैनल का लिंक है तो चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, कर लेना यार। तो यहाँ पर अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट ये वाला जो ऑप्शन है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर ये जरूरत आएगी, तो यहाँ पर ऐड फाइल पर आपको टैप करना है। तो सिंपली ऐड फाइल पर जैसे आप टैप करोगे आपके फ़ोन का गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली अपलोड फाइल्स फ्रॉम टैप करके, तो यहाँ पर सिंपली जो आपका स्क्रीनशॉट है उसको ऐड करके यहाँ पर डन कर दो। ध्यान रखना आप जब यहाँ पर डन करते हो आप अपने स्क्रीनशॉट को ही डन करना, ठीक है, वरना आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इमेज अपलोड का प्रोसेस चालू होगा। तो इमेज जैसे यहाँ पर अपलोड हो जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर, चलो यहाँ पर आपको अपलोड पर टैप करना है। तो अपलोड पर टैप करने के बाद यहाँ पर इमेज अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेज अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, तो ये खत्म हो गया है। एंड आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस सबमिट पर टैप कर देना है। और एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने टीम के डिटेल्स चेक कर लो, एंड जैसे आप सबमिट पर टैप करोगे तो ये आ चुका है आपके सामने टूर्नामेंट के डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर आपका टीम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो यहीं पे आपका टीम सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। जैसे कि मैंने बोला आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है, मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं पे टूर्नामेंट का लिंक, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है, राइट। और हाँ, एक और बात, जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पर प्रोवाइड किया था तो उस ईमेल आईडी पे आपके दो मेल जाएंगे, एक तो आपका पेमेंट का रिसिप्ट जाएगा उस ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जो मैंने ईमेल आईडी वहाँ पर डाला था, तो यहाँ पर इंस्टामोजो की तरफ से यहाँ पर आ चुका है आपका पेमेंट रिसिप्ट जो आपने पेमेंट किया था। तो गलती से भी इसको डिलीट मत करना। ओके, नेक्स्ट वाला जो ईमेल आएगा वो यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करने का आएगा, आपने क्या किया, आपने टीम डिटेल्स भरे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट आवर पेड टूर्नामेंट। यार गेम टीवी में आपको टूर्नामेंट कैसे खेलना है एंड गेम टीवी में हमारे कौन कौन से टूर्नामेंट चलने वाले हैं, देखो गेम टीवी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, एंड करना क्या होगा, सिंपली उसमें रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ईजी है, फोन नंबर से नॉर्मल रजिस्टर कर दो, एंड उसके बाद आपको जाना होगा गिल्ड एंड कम्युनिटी पे। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर आपको किस तरीके से टूर्नामेंट को ज्वाइन करना है। देखो, एक तो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस टूर्नामेंट भी चलेंगे, उसी के साथ ही साथ हमारे वीकली स्क्रीम भी चलेंगे। बट प्रैक्टिस टूर्नामेंट का क्या यहाँ पर शेड्यूल रहने वाला है, क्या यहाँ पर फॉर्मेट लेने वाला है, कौन कौन से रोबी बनेंगे, क्या कितने कितने बजे यहाँ पर आपको टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, कौन कौन से दिन आपको टूर्नामेंट देखने को मिलेगा प्रैक्टिस टूर्नामेंट, वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, प्रैक्टिस टूर्नामेंट जो होता है वो हम वीकली में दो दिन रखेंगे, और वो दो दिन है मंडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे एंड वेडनेसडे को हमारे प्रैक्टिस मैच रहेंगे हर एक वीक, तो ये चीज़ चेंज नहीं होने वाला। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़े बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बट जो आपका नॉर्मल, जो आपका जनरल डेज रहेंगे प्रैक्टिस मैच के लिए, वो आपका रहेगा मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। आप मंडे वेडनेसडे मान के चलो, एंड मंडे एंड वेडनेसडे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गेम टीवी में प्रैक्टिस टूर्नामेंट खेलने के लिए। अब देखो, इसका रजिस्ट्रेशन कब आउट होगा, देखो संडे को इसका रजिस्ट्रेशन आउट हो जाएगा। अब देखो, ये जो मंडे है, मतलब आज जो वीडियो आ रही है, आज मंडे है, तो आज आपको कोई भी टूर्नामेंट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा हमारी तरफ से। बट आपका जो अपकमिंग वेडनेसडे है एंड उसके बाद मंडे, उसके बाद वेडनेसडे, तो आपको वहाँ पर टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स। अभी देखो, प्रैक्टिस टूर्नामेंट में आपको
क्या करना होगा। अब प्रैक्टिस टूर्नामेंट में तीन लॉबी बनेंगे, तीन लॉबी मतलब अलग अलग सिंगल लॉबी बनेंगे अलग अलग अलग, ओके। और प्रैक्टिस टूर्नामेंट में कोई भी प्राइस पूल नहीं रहेगा, ये मैं पहले आप बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस टूर्नामेंट में मुझे काफ़ी सारे बंदे मैसेज करते हैं कि प्रैक्टिस टूर्नामेंट में क्या कुछ प्राइस पूल रहने वाला है। तो भाई देखो, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, प्रैक्टिस टूर्नामेंट में कोई भी प्राइस पूल नहीं रहने वाला है। तो भाई आप खुद ही समझ जाओ ना, प्रैक्टिस टूर्नामेंट है तो यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिस टूर्नामेंट में ज्वाइन कैसे करोगे। प्रैक्टिस टूर्नामेंट में हर दिन मतलब मंडे एंड वेडनेसडे तीन लॉबी बनेंगे, यानी कि 36 स्लॉट रहेंगे। एंड मैंने बात की थी 48 स्लॉट की, बट अभी के लिए 36 स्लॉट हम रख रहे हैं, बट आने वाले टाइम्स में यानी कि एक महीने के अंदर उसको 48 स्लॉट जल्दी से किया जाएगा, ओके। तो 36 स्लॉट में से अब टीम्स को क्या करना पड़ेगा, टीम्स को एक एक में रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो प्रैक्टिस का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब आउट होगा ये देख लो। तो प्रैक्टिस मैच का जो रजिस्ट्रेशन डेट आउट है वो यहाँ पर आपको रजिस्टर कर सकते हो 3 दिन पहले, ओके। अगर आपका मंडे मैच है तो आप उसके 3 दिन पीछे आ जाओ, ओपन हो गया होगा, आप सिंपली गेम टीवी का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेशन आउट करूंगा, ओके। तो आप उस चीज़ पे जाके रजिस्टर कर लेना। अब देखो 12 टीम्स हर एक लॉबी में रहती हैं, अब तीन लॉबी बनेंगी, तो तीन लॉबी यानी कि हर एक मैच आपका आप आधा घंटा पकड़ लो, तो आधे घंटे के बाद आपका तीन मैचेस होंगे मंडे एंड वेडनेसडे। तो प्रैक्टिस मैच की बात तो खत्म हो गई, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गेम टीवी में, एंड गेम टीवी पे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता कि गेम टीवी में आईडी पासवर्ड कैसे मिलता है तो कमेंट सेक्शन है यार, कमेंट करो, आपको वीडियो मिल जाएगी इन बिटवीन 2 डेज, ओके। तो जिस दिन आपका प्रैक्टिस टूर्नामेंट होगा उसी दिन से 3 दिन पहले आपको आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा। यानी कि मान लो आपका वेडनेसडे को टूर्नामेंट है, प्रैक्टिस टूर्नामेंट, तो वेडनेसडे के 3 दिन पीछे आ जाओ, ट्यूसडे मंडे एंड संडे। तो संडे को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेडनेसडे की टूर्नामेंट खेलने के लिए, ओके। मैं ये सब बेसिक से बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बंदे नए हैं टूर्नामेंट के लाइन में, तो उनको भी समझना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है, तो मंडे एंड वेडनेसडे आपके टूर्नामेंट चलेंगे, प्रैक्टिस टूर्नामेंट। तो तीन तीन लॉबी बनेंगे हर एक लॉबी, तो 36 स्लॉट्स रहेंगे, आपको ये चीज़ मालूम हो गई होगी, प्राइस पूल नहीं है प्रैक्टिस टूर्नामेंट का। उसके बाद बात करते हैं हमारे वीकली स्क्रिम्स के बारे में, जो हम वीकली स्क्रिम्स करते हैं जिसमें प्राइस पूल रहता है, ओके। उसका जो स्टार्टिंग टाइम है मतलब उसमें जो स्लॉट, पहले बात करते हैं स्लॉट की, ओके। स्लॉट आपका रहेगा 100 स्लॉट्स रहेंगे हर एक वीकली स्क्रीम में। अब ये जो स्क्रीम का जो स्लॉट है हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं बस, बट इसको 100 से नीचे हम नहीं आने देंगे। यानी कि जो आपका मिनिमम स्लॉट रहेगा वो 100 रहेगा, उसके बाद हम 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी, बट आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगा। बट जो टूर्नामेंट होने वाला है वीकली स्क्रीम, उसका आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको 4 दिन रजिस्टर करो, आराम से रजिस्टर करो, एंड फ्राइडे आपका टूर्नामेंट होगा, ओके। लेकिन मैंने जो थर्सडे बोला, थर्सडे को आप छोड़ दो, यानी कि अगर आप बोलो को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये चारों दिन आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो थर्सडे आप तो लॉबी वगैरह बनाने में जाएंगे, एंड बात करेंगे फ्राइडे की, तो फ्राइडे आपके क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट होंगे, उसके बाद वाला दिन सेमीफाइनल, एंड उसके बाद वाला दिन फाइनल जो आपका संडे है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, तो जो आपका प्राइस पूल रहेगा वो मैं देख लूँगा, ठीक है। जो आपका प्राइस पूल तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है, प्राइस पूल आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। जो लोग पहले से गेम टीवी पे रजिस्टर करके खेल रहे हैं तो उनको पता होगा कि प्राइस पूल कहाँ देखना है, ओके। आप जब आप सिंपली रजिस्टर भी करने जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस पूल वहीं पे लिखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपका जो वीकली स्क्रीम है वो स्टार्ट होने होगा आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि फ्राइडे होगा आपका क्वालिफाइंग राउंड, तो सैटरडे होगा आपका सेमीफाइनल्स, एंड संडे होगा आपका फाइनल्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ठीक से समझ में आ गई, ओके। तो आपका जो फ्राइडे को जो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा यानी कि वीकली स्क्रीम के लिए, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये चारों दिन आप रजिस्ट्रेशन करो, एंड थर्सडे को आपकी लॉबी बन जाएगी, एंड आपको पता चल जाएगा कि फ्राइडे आपको किस टाइम पे खेलना है। और आप ये बात दिमाग में रख लो, जो आपका टाइमिंग रहेगा जो वीकली स्क्रीम्स के लिए वो ऑलमोस्ट शाम को ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो सारे मैचेस हैं, प्रैक्टिस मैच आपका हो गया, वीकली स्क्रीम्स, इसके जो टाइमिंग्स है वो टाइमिंग्स ऑलमोस्ट शाम को रहेंगे, यानी कि 5 से 6 बजे तक, या फिर 5 से 7 बजे तक, या फिर 7 से 8 बजे तक। तो इस तरीके की हम लोग उसे मॉडिफाई करते रहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। तो अभी बात करते हैं कि आपको हमारे प्रैक्टिस मैचेस एंड वीकली स्क्रीम्स में रजिस्टर कैसे करना है। तो सिंपली मैंने जैसे कि बोला, गेम टीवी को इंस्टॉल करना है, गेम टीवी को ओपन करना है, आपको अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लो या फिर जीमेल आईडी से रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सिंपली यहाँ पर गेम टीवी जब ओपन, आप रजिस्टर करके गेम टीवी को जब ओपन करोगे, अगर आपको ये भी नहीं पता कि गेम टीवी में कैसे मतलब बेसिक से नहीं पता, तो उसका भी उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आपको नहीं पता तो पता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, एंड गिल्ड एंड कम्युनिटी पे जाओ,
एंड अगर आप हमारे गिल्ड पर ज्वाइन नहीं हुए तो फाइंड गिल्ड पर टैप करके यहाँ पर गिल्ड आप सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको टाइप करना होगा ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट टाइप करने के बाद इस पर टैप करके एंड जहाँ पर यह मेरा क्रिएट टूर्नामेंट नीचे के साइड पर आ रहा है तो यहाँ पर आपको आएगा ज्वाइन गिल्ड। सिंपली आपके चारों मेंबर्स को ज्वाइन गिल्ड पर टैप करके हमारे गिल्ड पे ज्वाइन हो जाना है एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना कि इसमें से आपको ढूंढना है कि प्रैक्टिस टूर्नामेंट कौन सा है एंड वीकली स्क्रीम वाला टूर्नामेंट कौन सा है। ओके, यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है जगह ऑन स्पॉट फ्री फायर टूर्नामेंट अगस्त 6 को जो टूर्नामेंट होने वाला है, यानी कि जो फ्राइडे को ये टूर्नामेंट है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि फ्राइडे को वीकली स्क्रीम स्टार्ट होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है तो ये आपका वीकली स्क्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिसमें प्रैक्टिस वार्ड होगा ना तो वो वाला प्रैक्टिस मैच ही है। तो यहाँ पर देखो जो आपका वेडनेसडे आ रहा है अगस्त 4 को जो आपका वेडनेसडे आ रहा है वहाँ पर 3 लॉबी हमने बना के रखे हैं। तो ये है सेकंड नंबर वाला प्रैक्टिस कस्टम एंड ये वाला फर्स्ट नंबर एंड ये वाला थर्ड नंबर, यानी कि 3 लॉबी में आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान में रखना कि आप हाँ एक और चीज़ देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर करने पहले के लिए टैप करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर पासवर्ड मैंने लगा के रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि कोई अलग बंदा आके यहाँ पर रजिस्टर करके स्लॉट फुल ना करें और आपके लिए स्लॉट यहाँ पर बचे रहे। तो सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर पर टैप करना है, पासवर्ड यहाँ पर मांगेगा। तो पासवर्ड सिंपली आपको डालना है 996969। ओके, पासवर्ड आपको डालना है 996969। आप इसे ध्यान में रखो, जितने भी टूर्नामेंट्स हमारे आगे आने वाले होने वाले हैं गेम टीवी में और जिसमें भी पासवर्ड लगने वाला है गेम टीवी के अंदर, यही पासवर्ड होने वाला है 996969। सबमिट पर टैप करो एंड तुम आ जाओगे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में। सिंपली अपने टीम का नाम एंटर करो। ओके, तो सिंपली अपनी टीम का नाम एंटर करके एंड अगर आप कैप्टन हो तो सिंपली रजिस्टर पर टैप करो। रजिस्टर पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको कोड आएगा या फिर शेयर कोड पर टैप करो, अपने टीममेट से शेयर कर दो, उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए एंड सिंपली आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगे। एंड यहाँ पर एक बात आपको देखनी है कि बैक आते हैं। ओके, यहाँ पर आपको देखनी है कि जो आपका प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स है इसके जो स्लॉट्स है यहाँ पर ये 12 स्लॉट्स होने वाले हैं एंड यहाँ पर ये बाई डिफॉल्ट मेरा 96 आ गया, बट यहाँ पर ये 12 स्लॉट्स हो जाएंगे जब आप खुद रजिस्टर करोगे। ओके, प्रैक्टिस कस्टम में इतने ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है, प्रैक्टिस कस्टम में अभी के लिए 36 स्लॉट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम वीकली स्क्रीम में इस तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिंपली जाओ यहाँ पे उस टूर्नामेंट पर टैप करो एंड रजिस्टर पर टैप करके तुम अपनी टीम को रजिस्टर करवा सकते हो। सिंपली अगर पासवर्ड मांगता है तो सही है, आप पासवर्ड डालो, अगर पासवर्ड नहीं मांगता तो और भी अच्छा है, रजिस्टर कर सकते हो अपनी टीम को। बट ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए, सारे टीममेट्स को ऐड करने के लिए। आप समझ गए अभी मेरे बात को। ओके, तो यार वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खोला है यार, वहाँ पे कमेंट करो या फिर व्हाट्सअप की जो टाइमिंग है ग्रुप टाइमिंग है तो आप उसी टाइम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई करने वाला हूँ एंड कमेंट सेक्शन में भी एंड व्हाट्सअप ग्रुप में भी। आप व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मैंडेटरी है ज्वाइन होना अगर आप हमारे कोई भी टूर्नामेंट खेलने वाले हो। ओके, हर बार मैं यूट्यूब में तो डिटेल्स नहीं दे सकता ना, तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप हमारे टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो। एंड हमारे गेम टीवी में भी आप हमारे गिल्ड्स को ज्वाइन कर लेना जरूर से, एंड क्योंकि उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको वहाँ पे प्रैक्टिस रूम्स एंड आपका जो वीकली स्क्रीम है उसके अपडेट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आप अपनी टीम कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करना चाहते हो, टीम को कैसे ट्रेन करते हैं ये सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। एंड अगर आप एक सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो और आपको नहीं पता कि आप लोग ई स्पोर्ट प्लेयर कैसे बन सकते हो तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करना एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आई नो सब्सक्राइब का थोड़ा इशू हो गया तो मैनेज